जय माँ कामाख्या। नमस्कार, स्वागत है आप सभी को हम लोगों का YouTube चैनल में। तो जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे, आज अम्बुबाची मेला का तीसरा दिन है। तो आज हम लोग भी आए हैं माँ का दर्शन के लिए, माँ की दरबार में माँ की कृपा लाभ करने के लिए, और साथ ही आप लोगों को भी दर्शन कराएंगे माँ की दरबार का। तो अगर किसी कारणवश आप इस मेले में शामिल नहीं हो पाए, तो हम लोगों का इस वीडियो के थ्रू आप लोग जहाँ पे हो वहीं से ही माँ का दरबार का दर्शन कर सकते हो, और साथ ही अपना मन्नत भी मांग सकते हो। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, और चलिए अभी एक साथ हम लोग चलते हैं माता की दरबार में। कामाख्या शक्तिपीठ में लगने वाला महा अम्बुबाची मेले का आज तीसरा दिन है। अम्बुबाची मेले में भाग लेने के लिए देश तथा विदेश से बहुत सारे दर्शनार्थी आए हुए है। दर्शनार्थियों के सुविधा के लिए जगह जगह कैंप बनाया गया है, जहां पानी और शरबत का व्यवस्था किया गया है, साथ ही जूता चप्पल रखने का भी व्यवस्था किया गया है, वो भी निःशुल्क है। अम्बुबाची मेला में भाग लेने के लिए देश तथा विदेश से बहुत सारे साधु संत भी आए हुए हैं, नागा बाबा आए हुए हैं अपने साधनाओं का सिद्धि लाभ करने के लिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अम्बुबाची के समय में साधनाओं का सिद्धि बहुत जल्दी ही प्राप्त होता है। गर्मी बहुत ज्यादा है, धूप भी बहुत कड़ी है, फिर भी दर्शनार्थी नीलाचल पहाड़ी के नीचे से लगभग 3.5 किलोमीटर पैदल चल के ही माता रानी के दरबार में जा रहे हैं। मन में ये उम्मीद लिए कि बस माता रानी का एक बार दर्शन या कृपा लाभ हो जाए। तो अभी आते आते हम लोग भी पहुंच गए हैं कामाख्या शक्तिपीठ के मूल द्वार तक। मंदिर का ये मूल द्वार बहुत ही सुंदर से सजाया गया है, तो चलिए अभी एक साथ अंदर चलते हैं। अम्बुबाची मेले के समय में कामाख्या मंदिर के गर्भगृह बंद रहता है, फिर भी हजारों लाखों के तादाद में दर्शनार्थियों से कामाख्या मंदिर भरा हुआ है। कल यानी कि 26 जून से फिर से दर्शनार्थियों के लिए मूल द्वार खोल दिया जाएगा दर्शन के लिए। कल और परसों यानी कि 26 और 27 जून को दर्शन के लिए VIP दर्शन का व्यवस्था नहीं रहेगा, सभी दर्शनार्थियों को जनरल लाइन लगा के ही दर्शन करना पड़ेगा। और ये है सौभाग्य कुंड, जहां देश विदेश से आए हुए साधु संत बाबा आदि शांति से बैठ के अपना तप जप और आराधना कर रहे हैं। तो अम्बुबाची मेले का आज तीसरा दिन है, और कुछ देर बाद भक्तों की संख्या और भी बढ़ने लगेगा, क्योंकि काल का दर्शन के लिए आज से ही लाइन लगाना शुरू हो जाएगा। तो आप भी कमेंट में जय माँ कामाख्या लिख के माँ की महिमा करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।